टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट देखिए नाम से क्लियर है कि टोटल क्वालिटी यानी कि ओवरऑल क्वालिटी जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जा रहा है जो भी सर्विसेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं उनको मैनेज करना ही क्या कहलाता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कहलाता है टोटल क्वालिटी यानी कि किसी प्रोडक्ट को बनाने में जो भी प्रोसेस फॉलो किए जा रहे हैं जो भी स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जा रहे हैं जो भी इंप्लाइज इन्वॉल्व हैं सभी को मैनेज करना ही टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कहलाता है देखिए कि कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेसफुल होने का एक ही रीजन है दैट इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन और कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को क्वालिटी प्रोडक्ट क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ेंगे अब सपोज करिए कि आप जो है किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पे आप रेस्टोरेंट जाते हैं तो जो गार्ड होता है बाहर खड़ा होता है वो आपके साथ मिसबिहेव करता है या फिर गार्ड बहुत अच्छे से बिहेव करता है लेकिन जब आप रिसेप्शन पर पहुँचते हैं या फिर जो टेबल पर बैठते हैं तो वेटर जो है वो वेटर सही से आपसे बात नहीं करता अगर वेटर भी सही से बात करता है लेकिन जो खाना आता है जो आपने डिनर मंगाया लंच मंगाया उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है या फिर खुद जो फूड की क्वालिटी वो भी अच्छी है लेकिन जो मैनेजर है वहाँ पे उस मैनेजर की जो है बिहेवियर वहाँ पे अच्छा नहीं है तो कहीं ना कहीं अगर किसी न किसी एस्पेक्ट पे किसी किसी इंडिविजुअल की या फिर किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई कमी रह जाती है तो कहीं ना कहीं कस्टमर का सेटिस्फैक्शन क्या है वो हाई लेवल पर नहीं पहुँच सकता है अगर जो गार्ड है अगर जो वेटर है मैनेजर है और फूड की क्वालिटी सब कुछ अच्छा हो तो आपका कस्टमर का सेटिस्फैक्शन क्या होगा अच्छा होगा लेकिन वहीं पर फूड बहुत अच्छी क्वालिटी का है लेकिन जो मैनेजर का बिहेवियर था

प्रोसेस इज टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आउटपुट इंक्लूडिंग गुड्स एंड सर्विज थ्रू द कंटिन्यूल इंप्रूवमेंट ऑफ इंटरनल प्रैक्टिस तो यहां पर क्या फोकस किया जाता है कि जो क्वालिटी है ऑर्गेनाइजेशन के आउटपुट का उसको इंप्रूव किया जाए उसको इंप्रूव किया जाए उसमें जो इंप्लॉई इन्वॉल्व है जो स्टाफ मेंबर इन्वॉल्व है उनको भी जो है इन्वॉल्व uh, किया जाएगा उनकी भी जो है ट्रेनिंग की जाएगी और उनकी भी जो परफॉर्मेंस है उसको भी इंप्रूव किया जाएगा तो टीक्यूएम इज दंट्रोल ऑफ ऑल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ एंड ऑर्गेनाइजेशन टू बेस्ट सेटिसफाई कस्टमर नीड इन दोस्ट इकोनॉमिकल मैनर यह ने दिया था मैनुफेक्चरिंग सेक्टर में, में ही अप्लाई हुआ था मैनुफेक्चरिंग तो सेक्टर में जो भी प्रोडक्ट मैन्युफेक्चर हो रहा है और उसमें जो भी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है उन सभी को कंट्रोल करना जिससे कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने कस्टमर की नीड को बेस्ट सेटिस्फाई कर सके और वो भी इकोनॉमिकल मैनर में फाई कर सके वही चीज़ क्या कहलाती है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट यानी कि ओवरऑल अगर आप कोई प्रोडक्ट परचेज करो उसमें कोई एक चीज अच्छी है लेकिन बाकी चीज़ पुअर है तो वो फिर बेकार है वो कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा लेकिन कस्टमर की कोई नीड है और उस नीड को जो भी प्रोडक्ट फुलफिल कर रहा है वो प्रोडक्ट कंप्लीटली उसकी क्वालिटी अच्छी है तो वो चीज़ टीक्यू एम कहलाएगा क्लियर तो एक कस्टमर फोकस्ड प्रोसेस दैट फोकस ऑन कंसिस्टेंटली इंप्रूविंग बिजनेस ऑपरेशन तो कंसिस्टेंटलीस टीक्यूम क्या हो गया कस्टमर फोकस्ड प्रोसेस हो गया जिसका मेन मोटिव क्या होता है कि बिजनेस ऑपरेशन है उसको कंटिन्यूसली इंप्रूव किया जाए द फोकस इज टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आउटपुट इंक्लूडिंग गुड्स एंड सर्विसेज तो फोकस किस पे होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का आउटपुट है चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विसेज हो तो उसकी क्वालिटी को इंप्रूव किया जाए इट स्ट्राइव इट स्ट्राइव टू इंश्योर ऑल एसोसिएटेड इम्प्लॉयज़ वर्क टूवॉर्ड द कॉमन गोल ऑफ़ इंप्रूविंग प्रोडक्ट और सर्विस क्वालिटी यानी कि जो टी क्यू में होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट उसका मेन मोटिव ये होता है कि वो जो है सभी इंप्लॉयज़ जो कि एसोसिएटेड होते हैं कॉमन गोल को कि प्रोडक्ट और सर्विस की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके उसकी तरफ काम करें एज वेल एज इंप्रूविंग दी प्रोसीजर्स दैट आर इन प्लेस ऑफ प्रोडक्शन यानी कि जो भी प्रोसीजर होते हैं प्रोडक्शन के लिए उस प्रोसीजर को भी इम्प्रूव करने पर जो है काम करें तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का ये फोकस होता है एम्स टू होल्ड ऑल पार्टीज पार्टी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस अकाउंटेबल फॉर द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ फाइनल प्रोडक्ट और सर्विस यानी कि जो भी फाइनल प्रोडक्ट आ रहा है फाइनल सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है उसकी ओवरऑल क्वालिटी के लिए सभी लोगों को अकाउंटेबल किया जाता है यानी कि कोई आप रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं तो फूड की क्वालिटी तो बहुत अच्छी थी लेकिन मैनेजर का बिहेवियर अच्छा नहीं था तो यानी कि ओवरऑल क्वालिटी क्या हो गई पुअर हो गई सर्विसेज की तो यहाँ पर टिकम में यही फोकस किया जाता है कि जो ओवरऑल क्वालिटी है प्रोडक्ट की ओवरऑल क्वालिटी है सर्विसेज की उसको इंप्रूव किया जाए इज द कॉन्टिन्यूल प्रोसेस टीक्यू क्या हो गया एक कंटिन्यूअल प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग एंड रिड्यूसिंग और एलिमिनेटिंग एरर्स इन मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रीम सप्लाई चैन मैनेजमेंट इंप्रूविंग द कस्टमर एक्सपीरियंस एंड इंश्योरिंग दैट इंप्लाइज आर अप टू स्पीड विथ ट्रेनिंग तो टीक्यूएम में सिर्फ प्रोडक्ट की क्वालिटी या फिर सर्विस की क्वालिटी से मैटर नहीं करता बल्कि यहाँ पे क्या है कंटिन्यूस प्रोसेस में आप जो है डिटेक्ट करते हो एलिमिनेट करते हो एरर्स को रिड्यूस करते हो एरर्स को चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में हो चाहे वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हो चाहे वो कस्टमर के एक्सपीरियंस में हो और साथ ही साथ इस चीज को भी इंश्योर किया जाता है कि जो भी ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई है वो उसके अकॉर्डिंग जो है काम कर रहे हैं वर्क कर रहे हैं परफॉर्म कर रहे हैं तो ये जो टीक्यूएम है ये जो है डेवलप किया गया था विलियम डेमिंग द्वारा टीक्यूएम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट किसके द्वारा विलियम डेमिंग द्वारा जो है ये डेवलप किया था मैनेजमेंट अप्रोच डेवलप किया गया था और नॉर्मली जो है इसको पहले मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में ही जो है अप्लाई किया गया था जैसे कि आप टोयोटा का ले लीजिए तो फोर्ड का ले लीजिए तो उन सभी ने टूक्यूम का यूज किया है ट्यूक्यम नॉर्मली आप जो है सिक्स सिग्मा के कोली आपसे समझेंगे लेकिन यहां रिड्यूस डिफेक्ट पे सिग्मा में डिफेक्ट्स को रिड्यूस करने की बात कही जाती है लेकिन टीक्यूएम क्या है इट फोकसेज ऑन इंश्योरिंग द इंटरनल गाइडलाइन एंड प्रोसेस स्टैंडर्ड टू रिड्यूस एरर क्लियर तो यहां पे हम बात कर लें इंपॉर्टेंस के टीक्यूम की तो देखिए इंपॉर्टेंस बट बात है कि जब क्वालिटी ओवरऑल क्वालिटी जो है किसी प्रोडक्ट की इंप्रूव होगी किसी सर्विस प्रोवाइडिंग की कंपनी की जो है इंप्रूव होगी तो इंप्लॉय रिलेशन क्या होंगे बेटर होंगे इंप्रूव्ड ऑपरेशनल परफॉर्मेंस ऑपरेशनल परफॉर्मेंस होगी इंप्रूव होगी भाई हर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को जो है आपको जो है मॉनिटर कर रहे हो उसमें जो भी एरर है उसको रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो तो परफॉर्मेंस क्या होगी इंप्रूव होगी ग्रेटर कस्टमर सेटिस्फैक्शन ओवरऑल क्वालिटी जब अच्छी होगी तो कस्टमर का सेटिस्फैक्शन भी क्या होगा बढ़ेगा क्रिएट गुड कॉर्पोरेट कल्चर एक अच्छा कॉर्पोरेट इमेज जो है वो आपका क्रिएट होगा चाहे वो कस्टमर के माइंड में हो चाहे आपके कॉम्पिटिटर के माइंड में हो एक जो है कॉर्पोरेट कल्चर अच्छा कॉर्पोरेट कल्चर डेवलप होगा इंक्रीज एफिशियंसी जब ट्रेनिंग अप टू मार्क होगी ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग जो है काम कर रहे हो प्रोडक्ट डेवलप कर रहे होंगे तो जो एफिशिएंसी है वो भी क्या होगी इंक्रीज़ होगी और प्रॉपर ट्रेनिंग प्रॉपर गाइडलाइन प्रॉपर लीडरशिप मिल रही है तो एफिशिएंसी क्या होगी इंक्रीज़ होगी तो ये कुछ इंपॉर्टेंस थे टीक्यूम तो टीक्यूम यानी कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स या टूल्स का यूज़ किया जाता है जिसका यूज करके टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट किया जाता है जैसे कि पैरेडो प्रिंसिपल है जिसको हम पैरेडो चार्ट भी कहते हैं इसको हम एटी ट्वेंटी रूल्स के भी नाम से जाते हैं यानी कि जो एट्टी ऑफ आउटपुट होता है ना वो ट्वेंटी ऑफ इनपुट पर डिपेंड करता है इसी तरीके से स्कैटर प्लॉट्स है कंट्रोल चार्ट्स हैं फ्लो ट्स हैं कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम जिसको हम कहते हैं फिशबोन या फिर इसी कवर डायग्राम के नाम से भी हम जिसको जानते हैं हिस्टोग्राम एंड बायोग्राफ हो गया चेक लिस्ट हो गया एंड चेक चेकशीट्स हो गए तो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हैं टूल्स हैं सिक्स सिग्मा हो गया तो जिनका यूज़ करके जो है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट किया जाता है तो हम इन सभी टेक्निक्स को आगे जो है एक एक करके डिस्कस करेंगे विश यू ऑल द बेस्ट कीप वॉचिंग